हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका 20 के मैच नंबर 15 की, जो कि डरबन सुपर जायंट वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा। और ये मैच बात करें कहाँ खेला जाएगा, तो खेला जाएगा किंग्समीट डरबन में। किंग्समीट ग्राउंड का नाम है। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग इनके रिसेंट फॉर्म के बारे में। हम लोग इनके रिसेंट फॉर्म के बारे में मेनली इसलिए बात करेंगे क्योंकि क्या होता है कि अभी ये नई लीग चल रही है, ठीक है ना। तो नई लीग में हमको कई बार पता नहीं रहता है कि कौन से प्लेयर का मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि मैच ही नहीं हुए। और वेन्यू पे कैसा, क्योंकि कई सारे नए प्लेयर आते हैं तो पहली बार उस वेन्यू पे खेलते हैं, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। मतलब हमारे पास डेटा ही नहीं रहता है कि वेन्यू पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है। कुछ आठ प्लेयरों का मिल जाता है जो लोकल प्लेयर रहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम रिसेंट फॉर्म पे जाएंगे और टीम का परफॉर्मेंस देखेंगे कैसे हो रहा है, उसी हिसाब से बढ़िया टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा ये रहे, भी रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डीएसजी यानी डरबन सुपर जायंट्स ने 4 मैच में से 2 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। एवरेज सा परफॉर्मेंस मतलब कि ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है। वहीं प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और इनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, अभी शायद टेबल के टॉप पर भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीएसजी हार के आ रही है और प्रिटोरिया जीत के आ रही है, तो इसी वजह से जो मैंने विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताई है ये मेरे खुद के हिसाब से। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी में डीएसजी का थोड़ा पलड़ा कम है मुझे लगता है, और प्रिटोरिया कैपिटल्स का ज्यादा है क्योंकि विनिंग इनकी ज्यादा अच्छी हो रही है पीसी की हमारे। अब हेड टू हेड लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 5 मैचेस और एवरेज विकेट फॉल का हमारे पास कोई डेटा नहीं क्योंकि मैच ही नहीं हुए। तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले बात कर लेंगे इनके रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं सबसे पहले किसका, डीएसजी के प्लेयर का। तो आप देखिएगा कुछ नाम आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे ना, वो लगातार दिखेंगे, तो आपको वो तीन चार नाम इस टीम से, तीन चार नाम दूसरी टीम से, तो आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने लगेगा टीम का क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट मैच की, क्या हुआ था। क्लासिन ने बनाए थे 56 रन, ठीक है ना, और आपको क्लासिन परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। फिर इसमें मुल्डर ने 29 रन बनाए, प्रिटोरियस ने 1 विकेट लिया, महाराज ने 1 विकेट लिया, टोपली को एक और सुप्रैन को 1 विकेट। अब हम यहाँ पे थोड़ा दो तीन प्लेयर पे नजर रखेंगे, एक बार पूरा डेटा देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन रेगुलर परफॉर्म कर रहा है। फिर देखिए मुल्डर ने 42 रन बनाए, क्यूडीके ने मतलब हमारे क्विंटन डिकॉक ने 57 रन बनाए, क्लासेन फिर 50 रन, मायर्स 39 रन, टोपली को 3 विकेट, प्रिटोरियस को 2 विकेट, सुप्रैन को 1 विकेट, मुल्डर को 1 विकेट। मुल्डर बॉलिंग भी करके चले गए, विकेट ले लिए। फिर देखिए क्लासेन 36 रन, मायर्स 34 रन, मुल्डर 30 रन, टोपली को 2 विकेट, जो इनको 2 विकेट, सुब्रायन 2, मायर्स 1, होल्डर 1। अब जरा देखिए परफॉर्मेंस देखिए, ये क्लासिन यहाँ रन बना रहे हैं, क्लासिन यहाँ फिर से 50 मार रहे हैं, और क्लासिन यहाँ पे भी टॉप स्कोरर थे, ठीक है। मुल्डर पे जाते हैं, अब मुल्डर क्या है, मुल्डर यहाँ रन बना रहे हैं, मुल्डर यहाँ पे भी रन बना रहे हैं, मुल्डर यहाँ भी 30 रन बना रहे हैं। उसके बाद जो है मुल्डर कहीं तो आके, हाँ इस मैच में दूसरे मैच में आके 1 विकेट भी लेकर के जा रहे हैं। फिर सुब्रायन को देखते हैं, सुब्रायन 1 विकेट, सुब्रायन 1 विकेट इधर, फिर सुब्रायन को 2 विकेट। तो ये ऐसे कुछ प्लेयर हैं जो आपको लगातार परफॉर्म करते हुए दिखे, जैसे मायर्स ने इस मैच में रन बना दिए और फिर एक मैच में विकेट भी ले लिया, रन बना दिए। पर ये दो तीन ऐसे प्लेयर हैं जो आपको लगातार परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। प्रिटोरियस देखिए 1 विकेट 2 विकेट, इस मैच में 1 भी विकेट नहीं, पता नहीं केले भी दिखे नहीं, याद नहीं मुझे। फिर टोपली को देखिए, 1 विकेट लिया 3 विकेट लिया 2 विकेट लिया, टोपली भी मस्त परफॉर्म कर रहा है, बेहतरीन बॉलर है। तो आप इस बेसिस पे अपनी टीम बना सकते हैं। अब जरा बात करते हैं हम किसके प्लेयर के बारे में, पीसी के प्लेयर के बारे में, जो हमें लग रहा है जीत रही है फिलहाल, लेकिन इतना अजीब से परफॉर्मेंस आपको दिखेंगे, पर इसमें भी एक काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हमको कौन से प्लेयर रखने ही रखने हैं अपने पास। लास्ट मैच की बात करते हैं, साल्ट साल्ट है कितने रन बनाए, 52 रन बनाए। फिर जैक्स 34 रन बनाए, नॉर्किया को 3 विकेट मिला, निशा मागे 3 विकेट लेके चले गए, राशिद और बोश को 1 विकेट मिला। फिर उसके प्रीवियस मैच की बात करते हैं, फिर साल्ट कितने बनाए, 29 बनाए, निशम ने कितने रन बनाए, 24 रन बनाए, बोश को कितने मिले, 3 विकेट, नॉर्किया 2 विकेट, पार्नल 1 विकेट, वेन पार्नल हमारे कैप्टन ने 1 विकेट पाए थे। फिर बात करते हैं जो सबसे इससे उससे पहला मैच जो तीसरा मैच हुआ था इनका, किसने क्या बनाया, जैक 92 रन, ब्रायन 42 रन, रॉसो 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 का तो अलग ही चल रहा है, वो आते हैं अभी 20 रन इसमें पता नहीं कैसे बना लिए, वरना वो या तो शतक मार रहे हैं या तो फिर 2 4 5 10 रन के अंदर चले जा रहे हैं। फिर देखिए हमारे कैप्टन पार्नर 2 विकेट इधर, राशिद को 2 विकेट मिले, राशिद इसमें अच्छा, ये आदिल राशिद है, ये राशिद खान नहीं है, ठीक है ना।
तो ये राशिद खान, यहाँ पे भी राशिद खान नहीं, आदिल राशिद है। आदिल राशिद क्योंकि उनके उनकी अलग टीम ही। फिर नौरकिया को एक विकेट मिला, बॉश को एक, ईशम को एक। फिर देखते हैं जरा कौन कौन खेल रहा है। साल्ट आपको यहाँ रन बनाते दिख रहे हैं, फिर यहाँ बनाते दिख रहे हैं। 3 मैच में से 2 मैच में अच्छा परफॉर्म किया। फिर देखिए जैक्स को देखिए, विल जैक्स 34 रन इधर, 92 रन इधर। ठीक है, बॉलर में आ जाते हैं, नौरकिया 2 3 विकेट, नौरकिया 2 विकेट, नौरकिया 1 विकेट, 3 मैच में 6 विकेट ले लिए। फिर आदिल राशिद, आदिल राशिद एक ही बार, एक बार 1 विकेट नहीं, एक बार 2 विकेट नहीं, एक बार एक भी विकेट नहीं मिला है। तो बॉश को देखिए, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 मैच में 5 विकेट। तो ये कुछ प्लेयर हैं आपको रेगुलर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। जैसे नीशम को देख लीजिए, 1 मैच में 24 रन बना दिए, तो बाकी 2 मैच में 1 में 3 और 1 में 1 विकेट ले लिए। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो हेड टू हेड तो हुआ नहीं है और वेन्यू पे भी नहीं हुआ है मैच, पर आपको रेगुलर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो हम इन कुछ 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो कि हम अपने पे रखेंगे, उसके बाद हम बाकी मैच अपडेट जब आएगा उस समय देखेंगे या इसमें से कोई और प्लेयर हम ले सकते हैं। ऐसे पार्डनल हमारे रहेंगे रहेंगे, हमको पता है कि पार्डनल और क्विंटन डिकॉक भले ही हमको रिसेंट 3 मैचों में बहुत अच्छा करते ना दिखे, पर हम वो ऐसे प्लेयर हैं कि हमें उन्हें बैक करना चाहिए। रोसो, रोसो का तो हो गया अब, मुझे नहीं लगता कि रोसो को रखना चाहिए। किसी दिन चल गए तो चल गए, पर जब वो ऐसा हो जाए कि 10 में से 6-7 मैच चल रहे हैं तो उनको लेने वाला है। ये नहीं कि वो 10 में से 8 मैच रोसो ने कुछ खेला ही नहीं, हेली रोसो आके 1 में शतक मार दिया, तो इसलिए थोड़ी ना लेंगे कि हो सकता है आज ही वो मैच हो जिसमें शतक मार दें। तो थोड़ा चीज हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आगे आते हैं ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अब ग्राउंड क्या है कि ग्राउंड का नाम है किंग्समीट डरबन। तो ये डरबन जो है डरबन सुपर जायंट्स का, यानी कि DSG का हमारे होम ग्राउंड है, क्योंकि होम ग्राउंड है नाम से पता चल रहा होगा। अब जरा पिच कैसी है, न्यूट्रल पिच है, मतलब कि सबके लिए ठीक है, रन भी बन जाते हैं, विकेट लेना चाहो तो अच्छी बॉलिंग करो विकेट भी ले लोगे, क्रिकेटिंग तरीके से खेलो तो फायदा मिलेगा। फिर पेस फ्रेंडली, पेसर्स, पेस फ्रेंडली मतलब पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं। ये देखिए विकेट स्प्लिट ना, तो पेस को 158 विकेट मिले, वहीं स्पिनर्स को 71 विकेट मिले। तो यानी आपको हो सकता है आदिल राशिद जी और निशम, ये लोग आपको थोड़ा सा वैसे परफॉर्म करते हुए ना दिखे जितने हमारे नौरकिया वगैरह दिख जाएंगे। फर्स्ट इनिंग क्या है, फर्स्ट इनिंग टोटल 150 है, तो और विकेट भी गिर रहे हैं, तो आपको इस बेसिस पे अपनी टीम बनानी रहेगी। अब जरा आगे बात कर लेते हैं, सेफ कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन कौन रहेंगे, QDK क्यों रहेंगे, क्योंकि फॉर्म में है, पिछले 3 मैच में से 1 मैच में अच्छा तो खेला ही था, 1 मैच में हालांकि लास्ट मैच में डक पे चले गए थे, पर कीपिंग भी करते हैं और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो आप ऐसे प्लेयरों को बैक करना चाहिए जो हमें कई अपॉर्चुनिटी से मतलब पॉइंट्स दे सके, फैंटेसी पॉइंट्स, और साथ के साथ क्लास है बंदे की, तो मतलब इनको लेना बनता है। यान मोल्डर का मैंने नाम इसमें लिखा है, क्यों, क्योंकि मोल्डर एक तो रन बना रहे हैं, साथ के साथ जो ग्राउंड है किंग्समीट, जो ग्राउंड है हमने जिस ग्राउंड की जो बात की, किंग्समीट में खेलते हुए आए और किंग्समीट में अच्छा खेलते हैं, तो इनको आप बैक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एट द वेन्यू। नौरकिया, नौरकिया सबने देखा क्यों विकेट ले रहे हैं, और क्लासिन भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जब अब सब बैट्समैन में ये होता है कि केवल बैट्समैन है तो कितना बैकअप मिल पाएगा, क्योंकि एक गेम की बात रहती है, पर फिर भी ठीक है, क्लास इन फॉर्म में है तो हमको उस चीज को कैच कर लेना चाहिए और उसी बेसिस पे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के, नॉर्किया और QDK मुझे लगता है ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो हमारे स्मॉल लीग में आ सकते हैं, और बाकी को आप रोटेट कर सकते हो अपनी बाकी टीम्स। तो गाइज ये रहा हमारा आज का डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल साउथ अफ्रीका 20 का मैच, 22 का मैच नंबर 15 का टीम प्रीव्यू। इससे जुड़ी अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा मैच के टाइम पे, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया।